हेलो एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं पिज्जा जो सबका पसंदीदा है, सब उसे बहुत पसंद करते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है उसके मेजरमेंट्स, तो जानते हैं उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट होते हैं और क्या क्या उसका मेजरमेंट है। मैं आपको हर तरीके से बताने की कोशिश करूंगी फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं उसके इंग्रेडिएंट पहले। जिसके लिए हमें चाहिए ऑल पर्पस फ्लोर, ये और तरह के आटे से भी बनता है लेकिन आज हम बना रहे हैं इसको मैदे के साथ। साथ में चाहिए ईस्ट, ये क्या है, इंस्टेंट है, ये जल्दी से जल्दी बन जाती है इसलिए इसको ड्राई ईस्ट कहते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से आपको पैकेट में मिलेगी। मेजरमेंट जितने भी इसके हैं वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं फ्रेंड्स। साथ में मैंने ली है शुगर, सॉल्ट और ऑयल लिया हुआ है। पानी मैंने 1 कप यानी 8 ounce पानी मैंने लिया है और यीस्ट खोलने के लिए मैंने अलग से 1/2 cup पानी लिया है। फ्रेंड्स 8 ounce जो लिया हुआ है वो पूरा एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके यूज़ करेंगे। ये सारे इंग्रेडिएंट आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से देख लीजिएगा। कनाडा में रहती हूँ, टोरंटो के जॉर्ज ब्राउन कॉलेज से मैं बेकिंग का कोर्स मैंने किया है, तो मैंने वहाँ पे कई सारी टिप्स बेकिंग की सीखी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। पिज़्ज़ा की रेसिपी वही है, बस थोड़े से ट्रिक्स हैं जो मैं आपको अच्छी तरीके से बताऊँगी। अगर आप सीरियसली बेकिंग में इंटरेस्टेड है तो आप उसको बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा ताकि आपका पिज़्ज़ा बहुत बहुत अच्छा बने। तो चलिए जानते हैं उसके क्या ट्रिक्स हैं और क्या टिप्स हैं। सबसे पहले हमने जिस पानी में या दूध में, आप दूध भी ले सकते हैं, उसमें ईस्ट को घोलना है, उसका टेम्परेचर ल्यूक वार्म होना चाहिए फ्रेंड्स। ये वो टेम्परेचर है जिसमें आप दही बनाते हैं, दूध जमाते हैं, ये वही टेम्परेचर है। अब हम सबसे पहले इसमें शुगर को अच्छी तरीके से घोल लेंगे। जैसे हमारे बॉडी का टेम्परेचर 98.6 रहता है तो जब उंगली इसमें डिप करेंगे हमें गर्म लगना चाहिए, इसका टेम्परेचर 100 से 110 फ़ारेनहाइट होना चाहिए। इसको हम 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छी तरीके से डेवलप हो जाए, क्योंकि ये शुगर से बहुत जल्दी डेवलप हो जाती है यीस्ट। हमने अब क्या किया, देखिए मैदे में नमक मिला लिया है। 10 मिनट बाद यीस्ट इतनी फॉर्मी हो गई है, बबली हो गई है इस तरीके से। अगर आपकी यीस्ट ऐसे नहीं है तो आप उसे फेंक दीजिए, नहीं तो आपका पिज़्ज़ा अच्छा नहीं बनेगा। दूसरा पैकेट लीजिए, कई बार ऐसा होता है एक्सपायरी हो जाती है तो हमें पता नहीं चलता। अब देखिए मैं इसको बीच में ऐसे मिक्स कर देती हूँ। हम इसमें हाथ का यूज़ थोड़ा देर से करेंगे क्योंकि अगर हमारा हाथ पहले स्टेज में स्टिकी हो गया तो हम आगे अच्छे से डो नहीं बना पाएंगे। हम इसको मिक्स कर रहे हैं देखिए इस तरीके से। अब हमने जो ये 1 कप पानी लिया था दोस्तों, इसे एक साथ कभी मत डालिए, थोड़ा थोड़ा करके डालिए। हो सकता है आपका 3/4 cup में ही आटा स्टिकी हो जाए। बस इसी तरीके से इसको मिक्स करते रहिए। जब ये पूरा आटा मिक्स हो जाएगा और ये स्टिकी भी हो जाएगा, देखिए मेरा इसमें पूरा पानी पूरा पूरा लग गया है। इसमें हमें आटे को कई बार गूंथना होता है और इसकी एक स्टेज होती है जो उसका एक टेस्ट होता है। आटे को हर बार गूंथने के बाद हम इसको अपने हाथ से फैलाते हैं, फैलाने के बाद देखते हैं बीच में विंडो बनी कि नहीं। ये ट्रांसपेरेंट सी विंडो बन जाती है, इस स्टेज में आटा नहीं टूटता है। अब देखिए बिल्कुल शुरुआत है, इसमें सिर्फ मैंने आटा पानी में मिक्स किया है। मैं आपको ठीक से दिखाती हूँ, अभी ग्लूटिन बनना शुरू नहीं हुआ। ग्लूटिन एक तरह की प्रोटीन होती है, जब हम आटे में पानी मिलाते हैं तो ये बनती है। 5 मिनट बाद देखेंगे तो इसमें ग्लूटीन थोड़ा ज़्यादा बनने लगेगी और थोड़ा सा ही ज़्यादा स्ट्रेस होने लगेगा। देखिए इस तरह से स्ट्रेच हो रहा है ना, ग्लूटीन का मतलब ग्लू, जैसे हमारे आटे में ग्लूटीन बहुत ज़्यादा होती है, इस तरीके से ये बनने लगेगी। लेकिन अभी ये बनी नहीं है, अभी हमें इसे स्ट्रेच करना है और ये एक प्रोसेस होती है जिससे हम इसको स्ट्रेच करते हैं फिर फोल्ड करते हैं। पिज़्ज़ा के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अब देखिए 5 मिनट बाद मैंने आटे को ऐसे ले लिया। अब 5 मिनट में इसमें फ़र्क आ गया, अब ये स्टिक नहीं हो रहा है। हाथ में थोड़ा सा आप ऑयल लगा लें और इस तरीके से अपनी फिंगर से इसको स्ट्रेच कीजिए और इस तरह जैसे मैं फोल्ड कर रही हूँ आप भी इसी तरीके से कीजिए फ्रेंड्स। ये प्रोसेस हमें कम से कम 3 से 4 बार करनी चाहिए। इस तरीके से इसको खींचते हुए ऐसे एक फोल्ड कीजिएगा और फिर दूसरी तरह से ऐसे कर लीजिए और फिर इसको ढक के रख दीजिए। हर बार 10 से 15 मिनट आप इसको ढक के रख दीजिए फ्रेंड। ये वो प्रोसेस है जब हमें पिज़्ज़ा जल्दी बनाना होता है, जब हमें पिज़्ज़ा अगले दिन बनाना होता है। आप एक बार इसका मिक्सचर बनाइए, इसको गूंथिए और फिर सीधे अगले दिन देखिए, तब आपको ये प्रोसेस नहीं करनी होती है।
अब देखिए मैं आपको फिर से इसकी विंडो बना के दिखाऊंगी। अब देखिए थोड़ा थोड़ा ट्रांसपेरेंट दिखने लग गया है, इसका मतलब हमारा ग्लूटेन काफ़ी अच्छा बनने लगा है। लेकिन ये भी फाइनल स्टेज नहीं है, अभी मैं आपको और दिखाऊंगी जब मैं पूरी तरीके से चार बार करूंगी। देखिए अभी कितना स्ट्रांग हो गया है, अच्छी तरीके से खींच रहा है, टूट नहीं रहा है। ये लास्ट टाइम है जब मैं ये प्रोसेस करने जा रही हूँ और आपको फ्रेंड्स दिखाने की कोशिश करती हूँ अगर मैं दिखा पाती हूँ तो। देखिए कैसे ट्रांसपेरेंट दिख रहा है ना, तो ये विंडो दिखनी चाहिए, यही पिज़्ज़ा के डो की पहचान होती है। फ्रेंड्स यहाँ पे दो मेथड है, पहले मेथड में तो ये है कि आपको अगर सेम डे बनाना है और दो घंटे के बाद बनाना है, आप इसको ऐसे रख दीजिए, दो घंटे में ये परफेक्ट आपके लिए बनके रेडी हो जाएगा। अगर आपको शाम को बनाना है, काफ़ी देर बाद बनाना है या अगले दिन बनाना है, आप इसे फ्रिज में रख दीजिए, स्लो फर्मेंटेशन बेकिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। फ्रेंड्स चलिए जानते हैं कि हमारा पिज़्ज़ा डो कैसा बना। मैंने कुछ घंटे पहले पिज़्ज़ा डो बनाया था, उसकी सारी प्रोसेस आपको बताई। मैंने उसको फ्रिज में रख दिया था क्योंकि फ्रिज में भी बहुत स्लो उसका फर्मेंटेशन होता है जो बेकिंग के लिए बहुत अच्छा होता है दोस्तों। तो फिर देखते हैं कैसा हमारा पिज़्ज़ा डो बना। ये देखिए कितना अच्छा ये पिज़्ज़ा डो बना हुआ है, मैं आपको इधर से दिखाती हूँ। ये अब ये इसमें बहुत अच्छे से ग्लूटेन फॉर्म हो गई है और बहुत ही अच्छा हमारा पिज़्ज़ा डो बना है। फ्रेंड्स अब इसे अच्छी तरीके से असेंबल कर लेते हैं। उसके लिए सारे इंग्रेडिएंट जो उसके ऊपर टॉपिंग लगने वाली है उसे हम इसके ऊपर से लगाएंगे और पिज़्ज़ा सॉस हमारा रेडी है। उसकी रेसिपी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से देख सकते हैं। तो चलिए अब असेंबल करते हैं। अब फाइनली इस आटे के हमने दो बॉल बनाने हैं क्योंकि मैंने दो पिज़्ज़ा बनाने हैं। इस तरीके से मैं इसको बॉल के फॉर्म में बना दूंगी और थोड़ा सा ऑयल लगा के रख दूंगी। 15 मिनट मैं इसको रखूंगी, तब तक मैं इसकी सीजनिंग रेडी कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल लिया है, साथ में मैंने गार्लिक लिया है और इटालियन सीजनिंग, गार्लिक पाउडर, साथ में बेसल पाउडर, सॉल्ट, ये सब मैंने ऑयल में डाल लिया है। अब मैं इसमें अपनी कटी हुई कैप्सिकम और अनियन इसी मिक्सचर में डाल लूँगी, जिस तरीके से कोट हो जाएंगे और इसका बहुत ही यम टेस्ट आएगा जब आप पिज़्ज़ा खाएंगे दोस्तों। तो इस तरीके से ये भी एक सीक्रेट है जो मैंने सीखा और मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अब मैंने ओवन को आपका जो मैक्सिमम टेम्परेचर है आप उसमें रखिए, मैं 450 डिग्री फ़ारेनहाइट पे अपना जो ओवन है इसको प्री हीट कर रही हूँ। मैंने जो दो बॉल बनाए थे अब वो रेडी है, मैं उसको देखिए ऐसे फिंगर की हेल्प से स्ट्रेच करूँगी। मैंने नीचे थोड़ा सा सेमोलिना ले लिया है जिससे इसका क्रस्ट बहुत ही अच्छा क्रिस्पी बन के आएगा। रोलिंग पिन की हेल्प से मैं इसको सर्कल बनाने की कोशिश करती हूँ और इसी की हेल्प से मैं इसको पिज़्ज़ा पैन पे इस तरीके से रख दूँगी। आप इसके बाद इसे स्ट्रेच करिए और इसको फोर्क की हेल्प से इसमें पोक कर दीजिए ताकि जब आप बेक करेंगे तो ये ऊपर पॉपअप ना हो जाए। अब मैंने एक रख दिया है, ये मैं दूसरा बनाने वाली हूँ, ये मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, ये चीज़ पिज़्ज़ा है। तो इस तरह के सिलिकॉन मैं इसमें यूज़ करने वाली हूँ, ये भी पिज़्ज़ा ट्रे है और बहुत ही अच्छा इसमें क्रस्ट बनता है। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आपके पास जो भी है आप उसमें बनाइए। इसको मैंने ढक दिया क्योंकि अब मैं पहले वाले को अच्छी से टॉपिंग लगाने जा रही हूँ। फ्रेंड्स अब मैं इसमें पहले पिज़्ज़ा सॉस लगाऊंगी, इसकी रेसिपी भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं, बहुत ही यम बना है फ्रेंड्स। तो ये घर का बना है, बहुत टेस्टी होता है। अब मैं एक लेयर पहले मोज़रेला चीज़ की लगाऊंगी, बाकी मेरे पास जितनी वेजिटेबल है मैं वो लगा लेती हूँ। आप नॉनवेज खाते हैं तो आप वो ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं इसके ऊपर डालने के लिए। साथ में मैंने ऑलिव लिया है, कुछ ऑयल मैं इसके ऊपर से लगाऊंगी। किनारे पे ऑयल या बटर लगाना दोस्तों ना भूलें, से क्रस्ट का बहुत अच्छा कलर आता है। ऊपर से जितनी सीजनिंग हमारे पास हैं जैसे ऑरिगेनो है, गार्लिक पाउडर है, चिली फ्लेक्स, आप सब इसके ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा डाल दीजिए, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आने वाला है आपके पिज़्ज़ा का। और आप इसको पहले नीचे वाले में रखिए क्योंकि क्रस्ट रेडी हो जाता है, उसके बाद आप इसको ऊपर वाले में रख सकते हैं। ऐसे ही हम दूसरा वाला भी रेडी कर लेंगे, ये चीज़ पिज़्ज़ा है फ्रेंड्स। मैं अपनी फिंगर की हेल्प से इसको जो पिज़्ज़ा डो है उसके अंदर इस तरीके से पुश कर रही हूँ ताकि ये डो में चिपक जाए, तभी बहुत अच्छा पिज़्ज़ा बनता है। बच्चों के लिए चीज़ पिज़्ज़ा बनने जा रहा है ये भी एक ट्रिक है दोस्तों,
बस इसमें भी थोड़ी थोड़ी सीजनिंग आप ऊपर से डाल दीजिए, या आपके बच्चों को केचप पसंद है तो आप केचप भी ऊपर से डाल सकते हैं, जैसा पसंद है, नहीं तो पिज़्ज़ा सॉस बेस्ट होता है इसके लिए। बस मैंने कुछ टेबल भी बच्चों के लिए उसी अंदाज में रेडी कर दी है, जो वो बाहर जाके खाते हैं वो चीज़ घर में परफेक्ट वैसा ही लगना चाहिए। फ्रेंड कुछ चीज़ें और कुछ खाने की इच्छा माहौल देख के भी आती है, आप वैसा एनवायरनमेंट बना दीजिए तो बिल्कुल वही खाने में मज़ा आता है। देखिए कितना जूसी बना हुआ है और पिज़्ज़ा चीज़ मस्त मेल्ट हुई है, एक एक चीज़ में आपको वो फ्लेवर मिलेगा, चाहे वो सब्ज़ियाँ क्यों ना हो। मेरे बच्चे इस पिज़्ज़ा में सब्ज़ियाँ ज़रूर खाते हैं अगर वो घर का बना हो, क्योंकि मैंने इन्हें भी अच्छी तरीके से कोट किया है। फ्रेंड्स और बाकी पिज़्ज़ा भी मैंने बनाए हैं, पैन पिज़्ज़ा की रेसिपी भी बहुत अच्छी है, आप ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से देखिएगा। देखिए क्रस्ट कितना अच्छा बना है ये, क्योंकि सेमोलिना है, आप कॉर्न मिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह का पिज़्ज़ा अपने घर में ज़रूर बनाइए और कमेंट में मुझे बताइए कि आपका पिज़्ज़ा कैसा बना। दोस्तों अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो ज़रूर आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखिए पिज़्ज़ा रेडी है और मैं भी अब इसे टेस्ट करने जा रही हूँ। फ्रेंड घर की जो चीज़ बनी होती है ना उसकी बात ही अलग होती है, बहुत ही टेस्टी जूसी, बिल्कुल बराबर सारे स्पाइस है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप अपने फ्रेंड्स के साथ।